Hello everyone, I am Sania Javed from the Zoology Department at the University of Chakwal, and here I am going to discuss about the topic that is snakehead fish. So let's start with the introduction of snakehead fish. So here's the introduction. The Bewley or the snakehead fish is both a powerful predator and culturally important. So ये जो स्नैक हेड फिश है इसको हम लोग ब्यूली भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है प्रे को कैप्चर करने में, उसे कंज्यूम करने में, ख़ास तौर पर एनवायरनमेंट में। इसके अलावा ये जो इसकी स्किल है ये इसको सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। इनकी जो बॉडी होती है वो स्लीक बॉडी होती है, यानी स्ट्रीमलाइंड और स्मूथ शेप की, जो कि इनको वाटर के अंदर मूव करवाने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। इसके अलावा इनको टॉप हंटर भी कंसिडर किया जाता है, एज आई सेड कि ये हाईली स्किल्ड होती हैं प्रे को कैप्चर करने में, उसको फाइंड करने में, उसको कंज्यूम करने में। इसके अलावा ये वन ऑफ द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रीडेटर्स हैं इन मेनी ऑफ द फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स में। इनके डिफरेंट फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, जिसमें से वन ऑफ देम कैमोफ्लेज है, जो कि इनके हंटिंग पर्पस को इन्हेंस करता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये कंज्यूम किया जाता है एज फूड, और इनको रेजिलिएंट स्पीशीज भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर एबिलिटी होती है कि ये वेरियस चैलेंजेस को, एनवायरमेंटल चेंजेस को, डिजीज़ को, प्रेडेशन को जो है वो इजीली कोप कर लेते हैं। और स्नैक हेड फिश जो है वो फेमस है स्टोरीज़ में, सेरेमनीज़ में वर्ल्ड वाइड। इसके इस चीज़ से ये चीज़ इंडिकेट होती है कि कल्चरली इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, तो इनकी एक लॉन्ग एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ये जो है वो ओरिजिनेट हुई हैं एशिया से। इसके अलावा टाइम टू टाइम इनमें चेंज आया है, डिफरेंट प्लेसेस पे ये रही हैं और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर इन्होंने अडॉप्ट किया है सर्वाइव करने के लिए। इसके अलावा ये जो अडॉप्टेशन, वन ऑफ द अडॉप्टेशन में से ये एक है कि ये जो है वो कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं स्नैक हेड फिश की कि ये एयर के अंदर ब्रीथ कर सकती हैं, यानी ये जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल लो भी हो तो वहाँ पर भी ये अलाइव रह सकती हैं। यानी ये जो अडॉप्टेशन है ये इनको हेल्प करती है उस जगह पर सर्वाइव करने के लिए जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल लो है। टैक्सोनॉमी की बात करें तो इनका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कोर्डेटा है, क्लास एक्टिनोपेटर्जी है, ऑर्डर पर्सीफॉर्म है, पर्सीफॉर्म्स, फैमिली चिनाइडी है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्नैक हेड फिश फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रहती हैं, एशिया में, अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर उनका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन रेट जो है वो बहुत बेहतर है। इसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज़ में, ये इंडिया में, बांग्लादेश में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, और इसके अलावा वेरियस रीजन्स हैं अफ्रीका के, वहाँ पर भी ये पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका फूड एडुकेट है। और इसके अलावा उनका जो शेल्टर है वो जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट लोकेशंस में, इंडस में, जेहलम में, चनाब में, रावी रिवर्स में, एज़ वेल एज़ इन इरीगेशन कैनाल्स एंड पॉन्ड्स में ये जो हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ जो हैं वो ये इनको एक सूटेबल कंडीशन जो है वो प्रोवाइड करता है फिशेस के लिए, जहाँ पर फूड रिसोर्सेज और सूटेबल वाटर क्वालिटी जो है वो मौजूद होती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो फर्स्टली हम बात करें इकोलॉजिकल रोल के बारे में। तो स्नैक हेड फिश जो है वो उसका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद देती हैं ऑफ द अदर क्रिएचर्स की, और इसके अलावा ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने में मदद देती हैं, यानी ये प्रे की पॉपुलेशन को रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा ये मेंटेन करती हैं एक हेल्दी और स्टेबल इकोसिस्टम। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें, जिस तरह स्नैक हेड फिश जो है वो कल्चरली इम्पोर्टेंट है और इन प्लेसेस लाइक पाकिस्तान, और इसके अलावा ये एज अ फूड सोर्स भी यूज़ होती है
इसके अलावा ये कल्चरल कस्टम्स का प्रैक्टिसेस का भी पार्ट है, और ये चीज़ शो करती है कि किस तरह से लोकल सोसाइटीज़ में जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस रिफ्लेक्ट करती है, यानी इसकी क्या अहमियत है। इसके अलावा इसके इकोनॉमिक वैल्यूज़ भी हैं, यानी जो ये जो स्नैक हेड फिश है ये इकोनॉमी को भी सपोर्ट करती है कमर्शियली थ्रू कमर्शियल्स, और इसके अलावा ये डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है लोगों के लिए जो कि फ़िश इंडस्ट्री वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा इंडिविजुअल्स के लिए, कम्युनिटीज़ वगैरह के लिए इनकम वगैरह भी जनरेट की जाती है इससे, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन होती है। इससे रेवेन्यू भी जनरेट होते हैं, टूरिज्म भी अट्रैक्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके अंदर सबसे पहली जो फर्स्टली जो फैक्ट है वो है एयर ब्रीथिंग एबिलिटी। तो ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं कि जो एयर के अंदर भी ब्रीथ कर सकती हैं, जहाँ पे इवन दो लो ऑक्सीजन क्यों ना प्रेजेंट हो। इसके अलावा और ये इनको एक एडवांटेज होता है ओवर द अदर फिश स्पीशीज़। सेकेंड अगर फैक्ट की बात करें तो ये जो स्नैक हेड फिश होते हैं ये अपने एग्स की एक्सेप्शनल पेरेंटल केयर करते हैं अमॉन्ग अदर फिश स्पीशीज़ के अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो। इसके अलावा इसकी वजह से इनका सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा होता है ऑफस्प्रिंग का, और थर्ड जो फैक्ट है वो है रैपिड ग्रोथ, यानी जो स्नैक हेड फिश है वो बहुत रैपिडली ग्रो करती है, इनकी ग्रोथ बहुत रैपिड होती है। और इसके अलावा ये न्यू एरिया के अंदर बहुत क्विकली जो है ना वो अपनी पॉपुलेशन को एस्टैब्लिश कर लेती हैं, और इसके अलावा ये फिर इस तरह से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी इनका जो है वो इंक्रीज़ होता है, इनकी रेंज भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसकी मॉर्फोलॉजी को तो इसके स्मूथ स्केल्स होते हैं जो कि कवर हुए हुए होते हैं, जो कि कवर करते हैं इनकी सिलेंड्रिकल बॉडीज़ को, जो कि इनको मदद देते हैं पानी के अंदर मूव करने के लिए। इसके अलावा इनके अंदर वेल डेवलप फिन्स होते हैं, डोर्सल एनल फिन्स होते हैं, जो कि इनको बैलेंस करने में कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इसके अलावा लार्ज टर्मिनल माउथ होता है जो कि हेड के एंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, और वो प्रे को कैप्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसके अलावा ये जो है वो लार्जर प्रे को बहुत इजीली इंगल्फ कर लेते हैं, इस तरह जो है वो इनका हंटिंग जो सक्सेस होता है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। इसके अलावा इलोंगेटेड इनकी जो है वो बॉडी शेप होती है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है, स्नेक्स की तरह जो है ना वो रिजेंबल कर रही होती है, जो कि इनको मदद देती है ताकि ये जो है ना वो क्विकली मूव कर सकें, और ये इनकी हंटिंग एबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है। इसके अलावा इनके अंदर एक लेटरल लाइन सिस्टम होता है जो कि सेंसरी ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि इनको वाइब्रेशंस करने में या मूवमेंट करने में वाटर के अंदर मदद देता है। इसके अलावा लेब्रिंथ ऑर्गन है जो कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर प्रेजेंट होता है स्नैक हेड की, और इनके अंदर जो है वो गिल्स के ऊपर एक ऑर्गन होता है जिसे हम लोग लेब्रिंथ ऑर्गन कहते हैं, जो कि इनको ब्रीथ करने में जो है वो मदद देता है, और उस एरिया में जहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो लो प्रेजेंट है, लाइक उसका लेवल जो है वो कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बिहेवियर के बारे में तो इसका माइग्रेटरी बिहेवियर भी होता है और पेरेंटल बिहेवियर भी होता है। माइग्रेटरी बिहेवियर की बात करें तो स्नैक हेड फिश जो है वो मूव करते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, वो भी इन रिस्पॉन्स टू लाइक डिफरेंट जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं या इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसके रिस्पॉन्स में फीडिंग के लिए। इसके अलावा ये माइग्रेट करती हैं फूड के लिए और सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए, और इसके अलावा अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए, जिस तरह लो ऑक्सीजन हो गई या फिर हाई टेम्परेचर हो गया। इसके अलावा पेरेंटल बिहेवियर की बात करें तो स्नैक हेड फिश, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि इसके मेल फीमेल फिश दोनों जो हैं वो बहुत अच्छी तरह नर्चरिंग करते हैं एग्स की, और इस तरह उनका सर्वाइवल रेट भी इंक्रीज़ होता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोटेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा एसेंशियली तौर पर उनको जो है वो प्रोवाइड किए जा रही होती हैं। तो इस तरह जो है ना वो उनकी स्पीशी की जो कंटिन्यूएशन होती है वो इंश्योर होती है।
नेक्स्ट हम बात करें इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ की, तो फर्स्ट वन जो है वो है हैबिटेट रिस्टोरेशन, जिसके अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना या नेचुरल होम्स को, यानी वेटलैंड्स वगैरह को और रिवर्स वगैरह को, जो कि उनकी जो नेटिव फिशेज़ है ना उनको हेल्प करते हैं, ताकि स्नेक हेडफिश जो है ना उसकी ग्रोथ को स्टॉप किया जा सके स्प्रेड होने से, ताकि जो नेटिव स्पीशीज़ हैं वो, जिस तरह फ़िश वगैरह, वो वहाँ पर रह सकें, ग्रो कर सकें, रिप्रोड्यूस कर सकें सक्सेसफुली उस नेचुरल हैबिटेट के अंदर। तो वहाँ पर ऐसे एक्शंस जो है वो लिए जाते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं स्नेक हेड फिश की पॉपुलेशन को किसी भी न्यू एरिया के अंदर। तो इस तरह से जो है ना वो हैबिटेट रिस्टोरेशन किया जाता है, ताकि उसके स्प्रेड को लिमिटेड करके ये गोल होता है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है ना उसका रिड्यूस किया जा सके स्नेक हेड फिश का, जो नेटिव इकोसिस्टम या नेटिव स्पीशीज़ पर जो उनका होता है। इसके अलावा कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए जाते हैं, यानी वर्क किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ के साथ, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ, कंजर्वेशन ग्रुप्स के साथ, डिफरेंट प्लान बनाते हैं और रिसोर्स वगैरह को शेयर किया जा सकता है, ताकि कोई जो है वो इफ़ेक्टिवली इस चैलेंज को जो है वो टैकल किया जा सके। नेक्स्ट हम बात करें इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस की, इकोनॉमिक वैल्यू की। तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसकी जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि पाकिस्तान में इसको, ये कल्चरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ना सिर्फ फूड के लिए यूज़ होती है, बल्कि ट्रेडिशनल डिशेस के लिए भी यूज़ होती है जो कि रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक वैल्यू की बात करें तो ये जो फिशेस हैं ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ को सपोर्ट करती हैं, जिस तरह वहाँ पर फ़िशरमैन के लिए एज़ अ इनकम जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा ये लोकल इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेड वगैरह में, कमर्शियल फ़िशिंग वगैरह में। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके थ्रेट्स और चैलेंजेस वगैरह को देखें तो प्रीडेटरी बिहेवियर, फर्स्ट है इसमें क्या होता है प्रीडेटरी बिहेवियर में, कि जो स्नेक हेड फिश है वो बहुत ज़्यादा खाती है, ईट अ लॉट, और इसके अलावा एग्रेसिव भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से उसकी इर्द गिर्द की जो फिशेज हैं उसका नंबर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि फिर इकोसिस्टम को बैलेंस, लाइक इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है। इसके अलावा इसकी स्प्रेड या एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये बहुत जल्दी मूव कर जाती हैं न्यू प्लेसेस के ऊपर और वहाँ पे ब्रीडिंग स्टार्ट कर देती हैं, और फिर एक दफ़ा वहाँ पे ब्रीड करना स्टार्ट कर जाए तो वहाँ पर उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यानी एक दफ़ा वो अडॉप्ट कर लें, एक दफ़ा वो रिप्रोड्यूस कर लें और रैपिडली, तो वहाँ पर उस न्यू एरिया के अंदर उसको मैनेज करना, उसके नंबर को एक दफ़ा वंस दे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ की, तो स्नेक हेड वायरस, जिसको हम लोग रबडो वायरस कहते हैं, ये अफेक्ट करता है स्नेक हेड फिशेस को, और इसके अलावा मेनी ऑफ देम इसकी वजह से डाई भी हुई हैं। ज़्यादातर फ़िश फॉर्म्स वगैरह के एरिए में जो रहने वाली फ़िशेस होती हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, और ये वायरस बहुत क्विकली स्प्रेड करता है फ़िशेस के अंदर, और ज़्यादातर क्राउडेड एक्वाकल्चर में, और जिसकी वजह से फिर फ़िश फार्म्स में काफ़ी लॉस भी होता है इसकी वजह से। इसके अलावा एफर्ट्स अभी ऑन गोइंग हैं ताकि जो है वो मैनेज किया जा सके स्नेक हेड जो वायरस है उसको, और उसके रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं जो अफेक्ट करती हैं स्नेक हेड फिश को, उसको कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास रीसेंट रिसर्च, जिसमें फर्स्ट रिसर्च ये है कि फॉसिल्स जो हैं वो ये बताते हैं, उन्होंने ये बताया है या बताते हैं कि जो स्नेक हेड फिश है वो वेट प्लेसेस में भी रहती थी पहले। यानी जब स्टडी किया गया फॉसिल्स को तो साइंटिस्ट ने ये चीज़ फिगर आउट की कि ये जो स्नेक हेड फिश है ये पहले कहाँ रहा करती थी, और जिसकी मदद से उन्होंने ये देखा कि किस तरह से क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, जो शायद उनको उनके घरों को भी चेंज करता है टाइम टू टाइम। यानी किस तरह से क्लाइमेट चेंज जो है वो किस तरह से अफेक्ट करता है उनके हैबिटेट को। और इसके अलावा इस चीज़ पर भी रिसर्च हुई
न्यूट्रिशनल वैल्यू स्टडी के ऊपर, और ये चीज़ समझा गया कि किस तरह से न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस जो हैं वो डिफरेंट वैरायटीज़ जो होती हैं स्नेक हेड फिश की उनके दरमियान न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस देखे गए, कि उनके अंदर फैट्स को देखा गया, उनके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को देखा गया जो कि उनकी फूड क्वालिटी को जो है ना वो इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कुछ ऐसी इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं जिस तरह गोल्ड लाइन स्नेक हेड फिश है, वो डिसरप्ट कर सकती है, डैमेज कर सकती है नेटिव इकोसिस्टम को, किस तरह से कि नेटिव स्पीशीज़ को कम्पीट करके उनके कम्पीट क्यों करती है नेटिव स्पीशीज़ के साथ रिसोर्सेज के लिए, डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए और फूड के लिए, शेल्टर के लिए। सो ये भी रिसर्च की गई है रिसेंट। इसके अलावा जो ट्रॉफिक एग्स हैं या स्नेक हेड जो हैं वो उनके जो यंग वंस हैं, जो ट्रॉफिक एग्स हैं वो उनको एडिशनल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो स्नेक हेड के यंग वंस होते हैं, यंग फिशेस होती हैं, उनके सर्वाइवल रेट को इंक्रीज़ करते हैं, उनकी ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन होती है इनकी। वो अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रॉफिक एग्स के साथ जो है वो फीड करते हैं, जो कि फिर उनकी स्पीशीज़ को ना प्रमोट करने में मदद देते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।